ये वाला ना या हिया से सेट कर दियो ना हिया। क्या बात है, आज इस खुशी के मौके पर तुम्हारे आंखों में आंसू ये शोभा नहीं देते हैं यार। आप तो जानते हैं कि मेरी माँ ने भी पिताजी ने लालन पालन किया था, उन्हें छोड़कर आपके घर आ गई। वो हमारे यहाँ भी बहुत रो रहे होंगे, उनको कौन ख्याल रखेगा। बहुत बहन बेटी पराया धन होती है, वो जहाँ पर जन्म लेती है वहाँ जन्म असर नहीं होता है। आज जिस तरह मुस्कुरा रही हो इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहना, कभी मुझ पर नाराज मत होना। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कहाँ आ गए भैया? अंदर अंधा समझो, क्षमा पावान डंडा एक गायब हो गया। हाँ क्षमा पाल यही गांव में हमारे एक लंगा है भैया बेटवा, क्षमा पाल जहाँ कहीं भी हूँ आगे हमसे मिलो क्षमा पाल। ये बच्चों रुपए का नाम है क्षमा। और तुमसे मेरा जीवन कौन है? आई एम पोस्टमैन। पोस्टमैन? जी हाँ। और ये क्या काम है? क्या काम है? चलिए घर है। जी हाँ। आप कौन? मैं उनका छोटा बेटा मंजीत सिंह। आपके नाम लेटर? पोस्टमैन जाइए, गेट पर हमारा वॉचमैन होगा, आप उसे अपना खर्चा ले लेना। गेट पे कोई नहीं है भाई साहब। फिर कौन है? गेट पे काला कुत्ता बांधा हुआ। ये नहीं बांधा हुआ है, हो सकता है कि हमारा वॉचमैन बाथरूम गया होगा, तभी तो अंदर आ गया। जाइए आ गया होगा, अपना खर्चा ले लेना। स्वामी जी इतनी रात गए, ये खत कैसा खत आया है? देखता हूँ प्रिया। क्या लिखा है इसमें देखिए तो स्वामी। क्या हुआ स्वामी, आप इतना खामोश हो गए हैं? आप जानना चाहती हैं? बोलिए क्या लिखा है इसमें? किस खत में क्या लिखा हुआ है? ये देख निर्दोष की
केश लगा हुआ है और कौन से मेरा बुलावा आया है, मुझे आज ही और इसी वक्त जाना पड़ेगा। आप ये कैसे बात कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि इंसान के जीवन में सिर्फ एक बार ही रात आती है और आप जाने की बात कर रहे हैं। आप प्रिया, मैं जानता हूँ कि इंसान के जीवन में सिर्फ एक दिन ही रात आती है, लेकिन प्रिया वो गरीब इंसान है, हो सकता है कि वो घर का गार्जियन हो, उसके पास छोटे छोटे मासूम बच्चे हो, अगर उसे फांसी की सजा हो गई तो उसके बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, कटोरा लेकर गली गलियारों में भीख मांगेंगे, एक टुकड़ा रोटी के लिए भूख प्यास हमारी तरफ करमा जाएंगे। तो ये बतलाइए प्रिय कि हम अपनी इस खुशी की रात को देखें या कि उस गरीब इंसान की जान को बचाए। आपको अपनी थाली निभाना चाहिए, हम अपनी खुशी की रात तो फिर कभी मना लेंगे, अगर उसकी जान चली गई तो उसकी जान तो वापस नहीं आएगी। हमें उन मासूम बच्चों के बंधु नहीं लेनी है, आप जाइए उसे बचा लीजिए। वाह प्रिया वाह, आज आप पर मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि आपकी संपत्ति मुझे मिली है। और फिर प्रिया सिर्फ तीन दिन की बात है, आज जाऊंगा और कल कोर्ट के अंदर पहुंचकर बहस करके उस गरीब इंसान की जान को बचाकर परसों अपनी हवेली पर वापस आ जाएंगे और ये खुशी की रातें हम लोग फिर मना लेंगे। और महल के अंदर क्या वो मंजीत की माँ है, नहीं उसे बुला करके गया। जब तुम चलती हो नहीं तो ये धरती कांपने लगती है। मैं तो डर गया था कि मेरे सर पे कोई फटा रही है क्या। ए भगवान, मेरे चावल भी अच्छी लगती है, मेरे पास अच्छी लगती है। अरे समझा रहा हूँ यार, तू आसन पहने करके मेरे सर के चल जाती है। अरे औरत ज्यादा चलने के तरीके से सही पैर सजा करके चल रही है, इससे चला जाता है क्या? सुनो, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगे, क्योंकि मंजीत के आए भी नहीं, मंजीत भी नहीं है और उसका जी हो नहीं पाए। आप चिंता मत करिए, वो बहू नहीं मेरी बेटी है, मैं इतना प्यार करूंगी उससे, इतना प्यार करूंगी शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी मुझे ऐसी सासुर मिल गई अपनी मामी ने। आप चिंता ना करें, आपके आने वाले की बात पहले मिलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी बड़ी गलती करोगे भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे को भी जानती हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं वो चेरिया सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती तो जहर को पी लेता हूँ, अगर होता है तो जहर को उगल भी लेता हूँ। आने के बाद मेरे को कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, ओके? भैया
सुनो यहाँ से जाओ मेरी बहुत जगह बैठूंगी और उससे बहुत सोचा ऐसा सुना तुम्हें याद करें।